स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 5 की टेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो लर्न अंडरस्टूड, नाउ आंसर, एक्सप्लेनेशन, सर्कल द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको जो आंसर सही होगा ना उसमें आपको सर्कल करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है, वी ईट लीव्स ऑफ दिस प्लांट। ठीक है, हम ये पौधों की पत्तियां खाते हैं। किसकी खाते हैं? पपाया की, स्पिनच, वीट, कैरेट, यानी किसकी खाते हैं? स्पिनच मीन्स पालक, यानी पालक के पत्ते खाते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आप इसमें टिक कर लेना। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, लीव्स ऑफ दिस प्लांट हैव ए प्लेजेंट अरोमा। एरोमा मीन्स क्या होता है, सुगंध आती है। ठीक है, वो पत्तियाँ जिनकी सुहानी सुगंध आती है, किस में आती है? ग्रास में, पीपल में, मिंट में, स्पिनच में। किस में आती है? मिंट यानी पुदीना में। आप इसमें टिक करो। प्लांट डू नॉट प्रोवाइडर, पौधे हमें नहीं प्रदान करते। क्या नहीं प्रदान करते? ऑक्सीजन, वुड, स्पाइसेस और प्लास्टिक। क्या नहीं प्रदान करते? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक में हम टिक कर लेंगे। फिर क्या है सेकंड क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपके जो वाक्य दिए हुए हैं ना, आपको सत्य या गलत बताना है आपको। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल प्लांट्स हैव सेम टाइप्स ऑफ लीव्स। सभी पौधों की पत्तियों की पत्तियाँ सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं। तो एक जैसी तो नहीं होती, अलग अलग होती हैं। ये क्या हो गया, फॉल्स। टॉल प्लांट विथ स्ट्रेट एंड इरेक्ट स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। ठीक है, तो जो लंबे पौधे होते हैं, सीधे इरेक्ट यानी सीधे खड़े रहते हैं, उन्हें उनके तने स्टेम एकदम सीधे होते हैं, उन्हें जड़ी बूटियाँ, क्या जड़ी बूटियाँ कहते हैं? नहीं, उनको तो ट्रीज कहते हैं। ये क्या हो गया, फॉल्स। थर्ड पॉइंट है, प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन वाइल मेकिंग दियर फूड। ये पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो बाहर ऑक्सीजन निकालते हैं। यस, आंसर क्या हुआ, ट्रू। इन कैरोट एंड रेडिस रूट्स आर एडिबल। एडिबल मीन्स खाने योग्य। जो गाजर है और अपनी क्या है, मूली, ये खाने, इनकी जड़ें खाने योग्य हैं। तो यस, आंसर क्या हो गया, ट्रू। अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारा, ग्यू टू एग्जाम्पल ईच ऑफ। आपको क्या करना है, दो एग्जाम्पल देने प्रत्येक के। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, लीव्स विच हैव ए प्लेजेंट ओड्यूर। ठीक है, जिसमें जिन पत्तियों में सुहानी गंध आती है, अच्छी आती है, कौन कौन सी होती है, मैंने लिख दिया मिंट, कोरिएंडर। मिंट मीन्स पुदीना, कोरिएंडर मीन्स धनिया। नेक्स्ट पेज करेंगे, सेकेंड पॉइंट है, लीव्स विच आर ईटन। ठीक है, जो पत्तियाँ हम खाते हैं, कौन सी पत्तियाँ खाते हैं, स्पिनच और कैबेज। स्पिनच मीन्स पालक और कैबेज मीन्स क्या हो गया, पत्ता गोभी। फिर थर्ड पॉइंट, हर्ब्स यानी जड़ी बूटी, स्मॉल ग्रीन प्लांट, जो छोटे पौधे होते हैं, छोटे हरे पौधे, कौन से, कोरिएंडर और मस्टर्ड। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, मैच द कॉलम्स, कॉलम ए कॉलम बी, आपको मैचिंग करना है। ठीक है, प्लांट विथ बिटर लीव्स, यानी जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ एकदम बिटर यानी कड़वी होती है, किन पौधों की होती है, नीम। तो अपने इसमें किस में कर देंगे, नीम में कर देंगे। ठीक है, इसको मैच कर देंगे। लीव्स विच आर ईटन, जो पत्तियाँ हम खाते हैं, कौन सी होती हैं जिन्हें हम खाते हैं, पत्ते, कैबेज। तो हम इसको कैबेज में कर देंगे। ठीक है, स्टेम दैट वी ईट वो, ठीक है, हम तने को कौन से खाते हैं, पोटैटो, तो हम पोटैटो में इसको कर देंगे। फिर है अपना फोर्थ पॉइंट, लीव्स यूज इन डेकोरेशन। डेकोरेशन में जब सजावट करते हैं घर पे, ये पत्तियों का जो हम सजावट में यूज करते हैं, कौन सी वो पत्तियाँ होती हैं, अशोक और मैंगो। तो हम इसमें कर देंगे। ओके,